गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेसन नंबर 10 इन साइंस, दैट इज फूड फॉर हेल्थ, खाना जो कि हमारे हेल्थ के लिए जरूरी होता है. सो लेट्स स्टार्ट. वी नीड फूड टू स्टे अलाइव. हमें फूड किस लिए चाहिए होता है? अलाइव रहने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए. आर बॉडी नीड्स फूड टू ग्रो. हमारी बॉडी को बड़े होने के लिए फूड चाहिए होता है. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. काम करने के लिए और खेलने के लिए भी खाना बहुत जरूरी है. फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. और खाना हमें डिजीजेस यानी कि बीमारियों से भी बचाता है. यहाँ पे देखिए, फूड से बॉडी ग्रो कर रही है. पहले ये बेबी थे, फिर ये एडल्ट हुए. ओके, यहाँ पे शी स्टडिंग, पढ़ने के लिए, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए जो हमें खाने से मिलती है. यहाँ पे दे आर प्लेइंग. एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. खाने भी बहुत तरह के होते हैं. फूड अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं. ओके, सो हर फूड के क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम पढ़ेंगे. बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो हमारी बॉडी बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोटीन्स. ये हमें किससे मिलता है? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स बिल्ड आर मसल्स एंड बोन्स. प्रोटीन से हमारे मसल्स और बोन्स स्ट्रांग होते हैं. दे मेक आर बॉडी ग्रो. इससे हमारी बॉडी ग्रो करती है. मिल्क, चीज, पीज यानी कि मटर, बीन्स, पल्सेस, दालें आपकी होती हैं जो, नट्स जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, पीनट्स, ये सब चीजें आर रिच इन प्रोटीन्स. इन सब चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है. सम पीपल टेक एग्स एंड फ्लैश. कुछ लोग एग्स या फिर मीट भी लेते हैं अपने फूड में. हेंस, गोट्स, फिश एंड अदर एनिमल्स गिव फ्लैश. और इन एनिमल्स का हम फ्लैश खा सकते हैं. यहाँ पे पिक्चर्स बनी हैं अलग अलग फूड की. ओके, साइंटिफिक रिसर्च इज बीइंग कैरिड ऑन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मीट एंड एग्स ऑन आवर हेल्थ. साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं कि मीट और एग्स से हमारी हेल्थ पे कैसे इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स. डिजीज जर्म्स एंटर ह्यूमन बॉडी विद देम. जो डिजीज जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं. मोर ओवर एनिमल्स आर लिविंग बींग लाइक इट, वी शुड सेव देम. और एनिमल्स लिविंग थिंग्स भी होते हैं, इसलिए हमें उनको सेव भी करना चाहिए. नाउ एनर्जी गिविंग फूड्स. कौन सी खाना हमें एनर्जी देते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है? दीज आर स्टार्च, शुगर एंड फैट्स. स्टार्च, शुगर एंड फैट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड लाइक ब्रेड, राइस एंड पोटेटो कंटेन स्टार्च. इन खानों में स्टार्च होता है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. शुगर केन एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन शुगर्स. इन सब शुगर केन या फिर जो फ्रूट्स होते हैं उनसे हमें शुगर मिलती है. कुकिंग ऑयल, घी एंड बटर कंटेन फैट. और जो घी और ऑयल, तेल वगैरह होता है इससे हमें फैट मिलता है. ओके, यहाँ पिक्चर्स बनी है, आप देखिएगा. ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, पोटेटो, राइस, शुगर, बटर, घी, स्वीट्स. प्रोटेक्टिव फूड्स. प्रोटेक्टिव फूड्स मीन्स जो खाना हमें बचाता है. दीज फूड्स आर फुल ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स. इनमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं. दीज प्रोटेक्टर्स फ्रॉम डिजीजेस एंड कीपर्स फिट. ये हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमें फिट रखते हैं. दे मेक आर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग, स्किन हेल्दी एंड आई साइट स्ट्रांग. इन खानों से हमारी बोन स्ट्रांग रहती हैं, टीथ स्ट्रांग रहते हैं, स्किन हमारी सही रहती है और आई साइट भी ठीक रहती है, यानी कि देखने की शक्ति. फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ताज़े फल, हरी सब्जियां, मिल्क और बटर आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स. इनमें बहुत मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं. डाइट्स में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. मिल्क इज अ कंप्लीट फूड फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी. अलग अलग डाइट्स होती हैं अलग अलग तरह के लोगों के लिए. एक न्यूबॉर्न बेबी, एक छोटे बच्चे के लिए मिल्क उसका पूरा खाना होता है. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बढ़ते हुए बच्चों के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स बहुत ज़रूरी होते हैं. वी मस्ट टेक अ डाइट दैट हैज़ डिफरेंट फूड आइटम्स इन राइट अमाउंट. हमें हर वो चीज़ खानी चाहिए जो अलग अलग हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है जिसकी. वी मस्ट टेक आर फूड एट फिक्स्ड टाइम. हमें अपना खाना हमेशा फिक्स टाइम पे ही खाना चाहिए. यूजुअली वी ईट 4 times a day. और ज़्यादातर लोग 4 times खाते हैं एक दिन में. वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट खाते हैं मॉर्निंग में. वी ईट लंच एट नून. दोपहर के टाइम लंच करते हैं. वी टेक मिल्क एंड सम स्नैक्स एट द लेट आफ्टरनून. और शाम के टाइम थोड़े स्नैक्स. एंड वी ईट डिनर एट नाइट. रात में डिनर. डू नॉट ईट इन बिटवीन मील्स. खाने के बीच बीच में हमें नहीं आदत डालनी चाहिए कि कुछ भी खा ले रहे हैं. गुड फूड हैबिट्स. गुड हैबिट्स में क्या आएगा? टेक योर फूड एट प्रॉपर मील टाइम्स. हमेशा टाइम पर खाना खाइए. वॉश योर हैंड्स क्लीन बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. खाने से पहले भी और खाने के बाद भी हैंड वॉश करें. ईट इनफ बट नॉट टू मच. प्रॉपर खाना खाइए. जितनी ज़रूरत है, जितनी भूख है उतनी ही, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल. धीमे धीमे खाना चाहिए और अच्छे से चबा के. ईट ओनली फ्रेश एंड कवर्ड फूड. हमेशा फ्रेश और कवर्ड फूड ही खाना चाहिए, ढका हुआ खाना. Do not buy food from street vendors. Food sold by them contains dust and germs. खुला हुआ जो खाना मिलता है बाहर वो नहीं खाना चाहिए, उसमें dust और germs हो सकते हैं. Rinse your mouth and clean your teeth after each meal. आप हमेशा अपना mouth को wash कीजिए अच्छे से खाना खाने के बाद.
फॉलो द टेबल मैनर्स वाइल ईटिंग. टेबल मैनर्स फॉलो करने चाहिए खाते टाइम. ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. आर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर. वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड. हमारी बॉडी को वाटर बहुत चाहिए होता है खाना डाइजेस्ट करने में. इट हेल्प्स अस टू थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम अ बॉडी. जो खाना हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वाटर उसको वेस्ट के थ्रू निकाल देता है. वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमें एटलीस्ट 6 से 8 ग्लासेस पानी पीना ही चाहिए रोज. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी टैप वाटर और फिल्टर्ड और बॉइल्ड. ड्रिंकिंग वाटर में या तो टैप वाटर पीना चाहिए या फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सप्लेनेशन पार्ट. जस्ट रीड द चैप्टर एंड सी द वीडियो वेरी केयरफुली चिल्ड्रन. थैंक यू.